में है। मासूरी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यहां से रहे हैं अब चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने से ये चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनता सिंपैथी वोट उनकी तरफ जा रहा है, ऐसा मानते हैं आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है। सबसे पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जनता जनार्दन को, क्योंकि आज जाकर माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी के आशीर्वाद से, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के सानिध्य में, ओपी धनखड़ जी के आशीर्वाद से, अलका गुर्जर जी के आशीर्वाद से, और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के सानिध्य में जाकर नामांकन भरा है। जनता का अगाध प्रेम देखकर, आशीर्वाद देखे अभिभूत हूँ, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर कहूंगी भावुक हूँ, और एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित हूँ। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए दिल्ली की जनता जो है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने 9 समन्स का निरादर करा है। वो जानते हैं कि ईडी ने तो उनको समन पिछले वर्ष नवंबर 2023 में करा था, लेकिन तब उन्होंने बहाने बनाए थे कि विपासना की वर्कशॉप पे जा रहे हैं 10 दिन के लिए। 9 समन्स का जब उन्होंने निरादर करा तो उन्होंने जांच एजेंसियों को विवश कर दिया कि आकर उनको अरेस्ट कर कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाएं। हाल ही में एक जजमेंट आई है दिल्ली हाई कोर्ट की, बहुत अहम बात है कि वो अर्जी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं लगाई थी, वो अर्जी बेल की अर्जी नहीं थी, वो अर्जी इसलिए थी कि उनकी अरेस्ट लीगल है या नहीं। इसका बहुत ज्यादा एक महत्व ये है कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे कि कोर्ट एक एक सबूत को देखे और बताए कि वो सबूत ठीक है या नहीं। कोर्ट ने सारे सबूत देखे और बोले कि जी आपकी अरेस्ट बिल्कुल लीगल है अरविंद केजरीवाल जी की। और ये कोर्ट की बात है कि उन्होंने, कोर्ट का फैसला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में किकबैक लेने की, इसके कारण उनकी अरेस्ट सही है, जायज है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इसलिए इसका कोई भी असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। सवाल इसलिए से पूछा हूं क्योंकि राजनीतिक सवाल है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, देखिए केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी निगरानी की जा रही है, यही जो मुद्दा वो जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं कि जेल में रहते हुए भी वो क्या खा रहे हैं इसकी निगरानी की जा रही है, इस तरीके के जो है चुनावी जो है बयान भी सामने आ रहे हैं। क्षमा करिए, बहुत विनम्रता से कहूंगी, जेल है, होटल नहीं है, निगरानी तो होती है ना जेल में। और अगर आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर जाना चाहती है जनता के बीच में तो वो उनकी बात है, हम तो विकास पे वोट मांगते हैं, हमने तो संकल्प लिया है भारत को एक विश्व गुरु बनाने का, भाजपा ने तो संकल्प लिया है परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म, ये हमारा मूल मंत्र है। आने वाले 5 सालों में भारत हब ऑफ इनोवेशन, हब ऑफ टेक्नोलॉजी, हब ऑफ स्टार्टअप, हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनने वाला है। सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में 125,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी इनॉग्रेट कर चुके हैं, और अगले 5 साल में सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत एक ग्लोबल लीडर है। आप लोगों का अभी भी 370 और 400 पार का नारा बरकरार है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि देखिए 2 फेज के बाद ही वो नारा जो है गायब होने लगा है। नारा नहीं है, संकल्प है, और आप देख लीजिएगा कि भारत की जनता इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी। विपक्ष की बातों में मत आइए, वो तो कभी आलू से सोना बनाना चाहते हैं, जब वो नहीं पुकता तो फिर कहते हैं माताओं और बहनों का सोना लेके दूसरों में बांट देंगे। वो तो आपकी अर्जित करी हुई मेहनत से अर्जित करी हुई संपत्ति को लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का तगमा लेके दूसरों में बांटना चाहते हैं। भाजपा बात करती है क्रिएशन ऑफ वेल्थ की और कांग्रेस बात करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मुझे बता, आप काफी बिजी हैं, आखिरी के 2 सवाल पूछ लेता हूँ। आपने जिस बात का जिक्र किया, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कहीं मैनिफेस्टो में है ही नहीं, फिर भी जो ऐसे झूठा प्रचार किया जा रहा है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, मैनिफेस्टो में नहीं है तो फिर राहुल गांधी जी रैली में क्यों बोलते हैं, रैली में क्यों बोलते हैं, बार बार रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात माननीय राहुल गांधी जी को करते हैं। बस एक आखिरी सवाल, कहा यह भी जा रहा है आप लोग 370 की जो बात कर रहे हैं, 400 पार के बात कर रहे हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, गृहमंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार यही कहा जा रहा है संविधान बदलने के लिए इतनी सीटों की बात, सरासर झूठ बोल रहा है विपक्ष। अगर आज तक किसी ने संविधान के साथ छेड़खानी करी है तो वो है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण में कोई संशोधन नहीं ला रही, आरक्षण बरकरार है, आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, यहां तक कि बाबा
भीमराव अंबेडकर के सपनों को अगर किसी ने साकार करा है तो वह भारतीय जनता पार्टी। धारा 370 बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसे हटाया। यूसीसी बाबा भीमराव अंबेडकर चाहते थे, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है और उसको एक्सप्लोर कर रही है मोदी जी के अगले कार्यकाल में। यानी साफ तौर पर विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है और बीजेपी लगातार विकास की बात कर रही है और उसी मुद्दे को लेकर बासुरी स्वराज भी जा रही है जनता के बीच।